सो गाइस इंस्टाग्राम में मेरा लगभग लगभग एक ही मैसेज आता है कि अमन भाई अपनी वीडियो को आप कैसे शूट करते हो और आपके पास कौन सा कैमरा है, कौन सा लाइटिंग सेटअप है और कौन सा ट्राइपॉड है। तो आज की वीडियो में वो सब मैं कवर अप करूंगा कि मैं अपनी वीडियो को कैसे शूट करता हूँ, पूरा बिहाइंड द सीन दिखाऊंगा, हाउ आई शूट माई वीडियो। तो अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं, अगर आप एक यूट्यूबर है तो बहुत सारी आपको टिप्स मिल जाएगी। मैंने लाइटिंग सेटअप जुगाड़ से बनाया है एंड मैं अपने रूम में लाइट कितना लगाया हूँ, सारा कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप अपनी वीडियो को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक पर्सनल वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने पहले गाइस मुझे जान लीजिए, मेरा नाम है मन और आप देख रहे हैं आपका हमारा प्यारा चैनल लाइकली टॉपिक। सो गाइस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए आज फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस कुछ इस प्रकार मेरा फ्रंट ऑफ व्यू रहता है कैमरा का और यहाँ पे मेरा डेस्क रहता है। तो डेस्क का फाइनली बात करें तो यहाँ पे देखिए मेरा एक बॉक्स है मोबाइल का, तो उसके अंदर मोबाइल आप लोग को देखने को नहीं मिलता। ये प्ले बटन मैंने खुद से क्रिएट किया एंड ये मेरा है लेपी और यहाँ एक गणेश भगवान का मूर्ति है जो कि अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा इफेक्ट ये दे देता है। अब हम चलते हैं अपना लाइटिंग की तरफ, तो लाइटिंग मेरा दिखाता हूँ मैं। तो लाइटिंग एक ये मैंने बनाया है, होम मेड लाइटिंग है ये। तो इसको इसका ट्यूटोरियल वीडियो मैंने बता दिया है कि आप अपने घर पर कैसे ये लाइटिंग सेटअप क्रिएट सकते हैं। एंड ऊपर में दो, एक वहां पे मरकरी और एक वहां पे मरकरी, दो मरकरी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो ये दो मरकरी मैं लगाया हूं बैकग्राउंड के लाइट को मतलब मैनेज करने के लिए, आपका जो है शैडो वडो हुआ या फिर लुक देने के लिए उसको लगाया हूं। काफी अच्छा मेरे वीडियो में इफेक्ट दे देता है जो आपको देखने को मिलता है। और मेरा रूम कुछ अधिक बड़ा नहीं है तो यहाँ पे देखिए ये मेरा बैक उस साइड का गेट है, अगर खोलते हैं तो किचन हुआ बाथरूम हुआ उधर देखने को मिलता है। एंड ये वाला जो है ये अगर उस पट्टी जाते हैं तो मेरा मेन गेट पे चल जाएगा, तो मेरा रूम के एग्जिट, मेरा रूम एग्जिट कर लीजिएगा। एंड वहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, वो सिंपली कोई काम नहीं देता है, मेरा रूम में कोई भी बल्ब नहीं चलता है मेरा सेटअप वाला, तो वो बल्ब को जला देता हूँ रोशनी के लिए। एंड वहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब मैं शूटिंग के लिए टाइम ऑन ही रखता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा कैमरा रहता है, देख पा रहे हैं आप, ये कैमरा यहाँ रहता है और मेरा डेस्क यहाँ, तो कुछ इतना डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, 50mm लेंस से शूट करता हूँ तो इतना डिस्टेंस काफ़ी है और अच्छा ब्लरिंग मुझे मिल जाता है। मेरा पर्सनल रूम नहीं है ये, एक प्रकार से मेरा घर का ही है, मतलब यहाँ खाना वाना भी हम लोग खा सकते हैं, बहुत सारा सामान आप लोग को देखने को मिल रहा होगा तो इसको इग्नोर कीजिएगा और पसीना को इग्नोर कीजिएगा, बहुत गर्मी है झारखंड में भाई। और गाइस बात करूँ मेरा माइक का, तो यहाँ पे मेरा बोया का माइक है, आप देख रहे हो बोया का ब्रांडिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली कैमरा और मोबाइल का दो ऑप्शन रहता है, इसको ऑन ऑफ करके आप कैमरा और मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। ये आपको 1000 रुपये करीब मिल जाएगा ऑनलाइन किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे। और बात करूँ गाइस मेरा कैमरा का, तो मेरा कैमरा कैनन 200D है, करीब एक ईयर पहले मैंने लिया है, 1 ईयर पहले, तो यहाँ पे देखिए 200D लगा हुआ है। इसके ऊपर मैंने 50mm का लेंस लगाया हूँ और डिजीटेक का मेरा पर ट्राइपॉड है जिसका प्राइस 2600 रुपये पड़ा है मुझे। तो सिंपली यही मेरा है, इसी को करके मैं वीडियो को शूट करता हूँ। अब मैं वहाँ पे कैमरा को लगाता हूँ और मेरा माइक में उसी में लगाता हूँ, तो मैं चलिए अब दिखाता हूँ बिहाइंड द सीन। गाइस ऑल ओवर रिव्यू बात करूँ मेरे रूम का, तो यहाँ पे बेसिन है, यहाँ पे एक मिरर है जहाँ पे मैं सज धजता हूँ वीडियो के लिए, तो अभी आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा है लाइटिंग के कारण। एंड यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है जो डिजिटेक का ट्राइपॉड कैनन 200D विथ 50mm का प्राइम लेंस, और माइक का जो है वायर यहाँ से सीधा गया, मैं वहाँ पे बैठता हूँ, अभी मैं किसी और को बैठा, मेरा भाई है ये, तो यहाँ पे मैं माइक अपने जैसा सेम रहता हूँ वैसे ही लगाया सिचुएशन। और इधर पर्दा को मैं साइड कर देता हूँ और वहाँ पे भी मैं कभी कभी वीडियो बनाता हूँ, पर्दा का लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये कलर जो है थोड़ा स्टैंडर्ड कलर हो जाता है। तो गाइस जो हमारा आता है मतलब हैंडकैम वीडियो आता है या फिर अनबॉक्सिंग वीडियो आता है, तो कुछ अनबॉक्सिंग का सेटअप इस तरह लगता है, मैं अपना ट्राइपॉड का दो लेग वहाँ पर रखता हूँ डेस्क के ऊपर एंड एक लेग को डायरेक्ट यहाँ पर निकाल के रख देता हूँ, तो मेरा कुछ इस प्रकार आ जाता है हुड टाइप से। एंड उसको मैं रोटेट कर देता हूँ कैमरा को डायरेक्ट नीचे, तो यहाँ पर ये गणेश भगवान का मूर्ति आप लोग को हर हैंडकैम वीडियो में देखने को मिलता होगा। और सिंपली यहाँ पे मैं ये दोनों जो आपको छेद देखने को मिलता है, दूर से मैं दिखाता हूँ, ये दोनों छेद से हैंड को ऐसे ऐसे घुसा लेता हूँ तो यहाँ से अच्छा खासा इफेक्ट आ जाता है। हमेशा आप देखते होंगे मेरा हैंडकैम वीडियो में ये गणेश भगवान का मूर्ति आता है जो कि अच्छा इफेक्ट दे देता है। तो हैंडकैम का सेटअप मेरा जो है कुछ इसी प्रकार का सेटअप है, कुछ हाईफाई मैं मोनोपोड या फिर कोई पोर्ड नहीं लिया हूँ, इसी ट्राइपोड को यूज़ करके मैं हैंडकैम वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ। और ये आइडिया क्रेडिट गोज टू द क्रेजी एस के भाई, उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया था तो उसको बिग थैंक यू। गाइस मैं 18-55 लेंस का भी यूज़ करता हूँ, तो मैं सिंपली 18-55 का लेंस का यूज़ करने टाइम ये ट्राइपॉड वहाँ से उठा के यहाँ पे ले आता हूँ ताकि मेरा फेस में अच्छा सा इफेक्ट दे दे। अभी आप लोग को ब्लरिंग प्रॉब्लम आ रहा होगा, ये मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सैमसंग गैलेक्सी J8 का ओपन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, तो ओपन कैमरा से मैं पहले वीडियोस बनाया करता था। अगर आप मोबाइल से वीडियो शूट करते तो आप ओपन कैमरा का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली अभी मैं वहाँ पे बैठता हूँ तो मैं बैक कैमरा से आप लोग को दिखाता हूँ अच्छा से। तो देखिए ऐसा कुछ रहता है, वहाँ पे वीडियो बन रहा है, मेरा कैमरा यहाँ पे है और कुछ इस तरह लुक आता है, देखिए यहाँ पे
वहाँ पे उस्तरा में बैठ के बोलता हूँ, और ये ऐसा कुछ लुक आता है आप लोग को वीडियो के इफेक्ट में, तो लगता है प्रोफेशनल, लेकिन मेरा प्रोफेशनल सेटअप नहीं है। एंड यहाँ पे जो है वॉलपेपर कुछ आधा अधूरा लग रहा है, तो इसको मैं अगर प्रोफेशनल रूम बनाऊंगा तो उसको पूरा अपग्रेड कर दूंगा। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। मैंने छोटा मोटा सेटअप क्रिएट करके ये सब मैंने अभी जुगाड़ किया है, हवाई सूट में देखे, कैमरा देखे, मेरा लाइटिंग देखे, लगभग मैंने सारा कुछ जुगाड़ से बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो कर दिया लाइक, और आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट रहता है हम लोग 200 लाइक, तो 200 लाइक आप लोग जल्दी जल्दी कर दीजिए, मुझे पता है। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी टॉपिक पर चाहिए मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो गाइस मिलते हैं कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।